सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम दिल्ली। तो कैसे हैं मेरे प्यारे भाइयों और टशी दिलिक टू एवरीबॉडी। एंड क्विक अपडेट, मेरी आंख आपको दिखी रही होगी, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं वापस अपना देहरादून नहीं जा पाया अपने फेलो राइडर्स के साथ। सुधांशु भाई और डॉक्टर साहब को पहले ही निकलना पड़ गया था, वो उसी दिन निकल गए थे, तो मेरी आंख में कुछ चला गया था और वो बिल्कुल इट गॉट स्टक इन द अपर आईलिड। तो उसकी वजह से मुझे यहीं दिल्ली स्टे बैक करना पड़ा। आई वेंट टू द हॉस्पिटल यस्टरडे, तो उन्होंने हल्का सा एक छोटा सा कण निकाला, उसमें से बोला कि ये दिखने में बहुत छोटा है लेकिन ये आपको अंधा कर सकता था। तो अच्छा हुआ कि आपने रब नहीं करा, क्योंकि मैं समझ गया था कि कुछ तो है भाई अंदर। खुजली इतनी हो रही थी और दर्द इतना हो रहा था, मन कर रहा था कि बस आँखों को फाड़ के निकाल दूँ बाहर, लेकिन मैंने हाथ नहीं लगाया। और लकीली देर वहाँ हॉस्पिटल जाके मुझे पता लगा कि इसके अंदर एक छोटा सा एक तिनका बोल सकते हो, पत्थर बोल जो भी बोल सकते हो, तो वो घुसा हुआ था और अब जाके वो निकला है। मतलब कल निकाल दिया था, तो कल पूरा दिन मैंने रेस्ट किया और आज अब अभी टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 9 बज रहे हैं अभी, और लगता है आँख की हालत थोड़ी ठीक है। तो विद ऑल प्रिकॉशंस निकल रहे हैं यहाँ से, सीधे चलते हैं कावासाकी के शोरूम पे। एक दिन हो गया अपनी बेबी फ्रॉस्ट को वहाँ पे खड़े हुए, बहुत ज़्यादा धक 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 हो रही थी, तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे। पहली बार आई एम लेटिंग माई बाइक आउट ऑफ माई साइट, और वहाँ कावासाकी पे अपनी बाइक खड़ी हुई है, तो वहाँ से बाइक को फटाफट से लेते हैं, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि दिल्ली जाएँ, दिल्ली में ही रहेंगे या जाएंगे देहरादून। बाकी मैं आपको एक चीज़ दिखा रहा था जो अपनी आँखों की मेडिसिन है। देखो भाई, छोटी सी आँखें अपनी और दवाइयाँ कितनी हैं, 1, 2, 3, 4 और एक मेन वाली कहाँ गई, 5। तो मेन जो दवाई है वो ये है गाइस, ये दिस वाज द लोशन टू हेल्प मी हील विद द रप्चर दैट वाज मेड इन द पायलट। यहाँ पे ऊपर हल्का सा एक स्क्रैच भी पड़ चुका है जो कि हील करना बहुत ज़रूरी था। थैंक्स टू माय ब्रदर जो वहाँ सो रहा है। भाई कौन उठ के दोबारा कौन सोता है भाई, हेलो ओ शर्मा रहा है, कैमरा चाहे तो भाई हमारा शर्मा रहा है, 9 बजे उठा है भाई और फिर दोबारा सोने जा रहा है, टैलेंट कहते हैं इसे। मैं तो अभी उठ के फटाफट से नहाने जा रहा हूँ, उसके बाद जाऊँगा सीधे कावासाकी के शोरूम में, तो मिलते हैं सीधे आपको शोरूम में। सो गाइज, व्हेन आई वाज हियर टू टेक द डिलीवरी ऑफ द बाइक, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे मुझे सेकेंड सर्विस भी करानी पड़ गई है, ऑन ड्यू हो गई है। मैं सोच ही रहा था कि मैं आऊँगा यहीं पे सेकंड सर्विस के लिए भी, और किस्मत की लकीली मेरे को यहाँ पे सेकंड सर्विस करवाना पड़ा और द टाइम वाज अप। 2 अगस्त को मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी और 6 महीने बाद इसकी सेकंड सर्विस ड्यू थी, तो वो आज है। तो द ऑयल दैट आई एम यूजिंग इज लिक्विड मॉली 10W40 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुधांशु भाई। वैसे तो मुझे उन्होंने भी पोटोलिन डाला था, मुझे भी पोटोलिन डालना था, लेकिन पोटोलिन से वारंटी वाइड हो रही थी, तो इसीलिए द ओनली चॉइस दैट आई हैड वॉज मोतुल एंड लिक्विड मॉली, ओवर विच आई चोज लिक्विड मॉली। तो देखते हैं, ओह शीशा यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है। बाकी अपने बाइक जो है फुली रेडी है, फिल्टर सब कुछ कल साफ हो गए थे, तो अभी सिर्फ ऑयल चेंज करना है, वॉश करेंगे उसके बाद विल रोल। That was some firecracking stuff by our YouTuber brothers. उसमें थे अपने JD भाई जिन्होंने धूम मचा रखी थी पटाखे फोटो के, तो पीछे अपनी NR जो है वो रेडी खड़ी है। और अब चलते हैं सीधा यहाँ से, सबसे पहले मुझे लेने हैं ग्लव्स अपने लिए, क्योंकि मैं उस दिन ग्लव्स देना भूल गया था, आपको पता ही है ग्लव्स मुझे मिले नहीं थे। तो अब चलते हैं सीधा हाई नोट परफॉर्मेंस, वहाँ पर एक बार देखते हैं। आँख मेरी अभी भी सूजी हुई है, तभी मैं चश्मा लगा के व्लॉग कर रहा हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर तो करो भी ना करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सीधे मिलते हैं आपको अब हेलमेट के कैमरा। तो गाइस लुक, हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं, बाइक मैंने सभी से उठा ली है, वी आर ऑन द दिल्ली रोड गाइस। नेवर थॉट सो कि अपनी बेबी फ्रॉस्ट भी दिल्ली के ट्रैफिक में कभी फंसेगी, क्योंकि
दिल्ली अपना आना जाना होता नहीं है ज़्यादा वैसे, अपन लोग कोई भी फ्रॉस्ट को वहीं लेके जाते हैं जहाँ पर लोग घूमने जा रहे हैं या फिर कहीं टूर पे जा रहे हैं। दिल्ली क्या टूर करना यार, दिल्ली अपन लोग बचपन से घूम रहे हैं तो दिल्ली में क्या टूर करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन हियर आई एम राइडिंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली फेसिंग द सेम ओल्ड प्रॉब्लम्स, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स आई मस्ट से। बाकी होप सो मेरी आवाज़ साफ आ रही हो। तो आज बहुत ही मज़ा आया, सर्विस बहुत अच्छी हुई है। आई एम रियली 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 क्या बोलेंगे उसको यार, सेटिस्फाइड विद द सर्विस। और मेरी जो प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो चुकी है। जो मेरी मेजर मेरा प्रॉब्लम था, मेरे दिल्ली आने का जो मेरा मेन रीज़न था, उसको भी एक सोल्यूशन मिल गया है। आई एम रियली 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 बहुत खुश हूँ मैं कि मेरा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। और बिल्कुल भी जो नॉकिंग हो रही थी वो अब बिल्कुल नहीं हो रही है। होप सो इट स्टेज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ऐसा ना हो कि डॉक्टर के पास मरीज सही हो जाए और घर जाते ही फिर मरीज बीमार हो जाए। दिल्ली ट्रैफिक और इसके ऊपर ये गर्मी और उसके ऊपर ये लेदर लेवल 2 जैकेट, भाई साहब अपनी सुधांशु भाई वाली मैश जैकेट ही सही थी, या तो फिर इसके अंदर की मेरे को लाइनिंग निकाल के आनी चाहिए थी। मैंने सोचा थोड़ा ठंड ना लग जाए, सर्दी का टाइम है, लेकिन भाई साहब दिल्ली की गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी हम जा रहे हैं, लोकेशन की बात करें तो अभी हम हैं सफदरजंग के आसपास समवेयर इन न्यू दिल्ली। आई ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट वे वी आर गोइंग टू सफदरजंग बिकॉज डॉक्टर सैफ इज़ ओवर देयर और वन मोर चैटी बडी फ्रेंड, तो डॉक्टर सैफ के पास मिलने जा रहे हैं। ही इन्वाइटेड मी ओवर फॉर लंच टुडे, सो देखते हैं डॉक्टर सैफ से मिल के उसके बाद हम कहाँ जाते हैं। बाकी यार तबीयत खुश हो गई आज सर्विस करा के, मेरा इशू जो है वो सॉल्व हो चुका है। रियली 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 थैंक्स टू, आई वुड लाइक टू थैंक, अपने तहे दिल से मैं थैंक करना चाहूँगा दयाराम जी का एंड राम भाई का, जो जिन्होंने मेरी बाइक को प्रॉब्लम को समझा। और पता नहीं वो क्या क्या कह रहे थे कि क्या क्या लूज़ है, थ्रॉटल बॉडी लूज़ है, पता नहीं क्या क्या लूज़ है, इसमें 3-4 नट गायब थे, नीचे के नट गायब थे, ऊपर के वॉशर गायब थे, आई डोंट नो कैसे गायब हो गए लेकिन गायब थे। नट ही नट मेरे को आप विश्वास नहीं मानोगे, नट ही नट मुझे लगभग 750,000 रुपये के तो नट ही नट पड़ गए हैं। कोई 150 का था, कोई 100 का था, कोई 50 का था। तो अभी मैं आपको बिल की फ़ोटो दिखाऊंगा, अगर मैं इसमें ऐड कर पाऊँ तो आई ऐड द बिल फोटोग्राफ। तो 4-5 नट लगे हैं इसमें, वॉशर लगे हैं, आई डोंट नो वेयर द हेल डिड दोज वॉशर एंड नट गो, लेकिन क्या करें अब लगवाने तो पड़ेंगे ही भाई, जब गिरे हैं तो लगवाने पड़ेंगे। तो फ्यूल अप कर लें XP95, यस, तो आई गेस आई शुड फ्यूल अप ओवर हियर। तो देखते हैं यहाँ पे अगर 100 मिल पाए तो, वैसे 100 मुश्किल है यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा, 95 ही भरवा के काम कराना पड़ेगा, तो 95 भरवा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो गाइज गेस व्हाट वी आर गेटिंग XP100 ओवर हियर, या दैट्स ग्रेट, 160, या फुल कर दो। ओके सो पेट्रोल की बात करी जाए तो XP100 कॉस्ट अराउंड 160 पर लीटर, बट उससे जो होगा जो मैजिक होगा वो हमें पता है। लेट्स सी, मतलब हमें मुझे नहीं पता, मैंने अपने बहुत सारे राइडर फ्रेंड से पता लगाया है कि XP100 के एडवांटेजेस बहुत हैं, तो लेट्स सी कि क्या फ़ायदा होता है और क्या डिसएडवांटेज होता है। बस पूरा ऊपर टॉप तक मत बनना, कितना है बस इसी में रोक दो। ओह द कलर इज़ ऑल्सो डिफरेंट मैन, इट्स अ बिग पिंकिश इन कलर, आई होप यू कैन सी, मुझे नहीं लगता बट इट्स अ बिट पिंक इन कलर। 160 रुपीज़ पर लीटर, दैट्स वॉट आई कैन सी। और जीपे करेंगे। सो गाइस पेट्रोल मैंने भरा दिया है, लेकिन ट्रैफिक कंडीशंस बिल्कुल सेम है। पेट्रोल पंप के अंदर घुस के थोड़ा सा रिलीफ लगा, लेकिन सेम और शिटी ट्रैफिक। ओ माय गॉड, आज क्या है भाई, कुछ छुट्टी छट्टी है क्या? सॉरी छुट्टी के दिन तो ट्रैफिक होता ही नहीं, व्हाट अ जोक। लेकिन ये है कि रेड लाइट है, ओके, और यहाँ पे कार्य प्रगति पे है तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक लग रहा है आई गेस। बाकी एम्स सीधे जाना है और मुझे भी सीधे ही जाना है। आई एम द लॉस्ट ट्रैवलर राइट नाउ, मुझे बिल्कुल नहीं पता मुझे कहाँ जाना है इस समय, बस सीधे चले जा रहा हूँ। एक दो जनों से पूछा मैंने सफदरजंग के लिए,
तो उन्होंने कहा कि सीधे जाना है भाई, तो सीधे चलते रहो भगवान का नाम लेके। अगली लाल बत्ती आ चुकी है गाइस। यार मैं बार बार, मेरे मुंह से गाइस गाइस निकलता है, मुझे गाइस नहीं बोलना यार। भैया सफदरजंग के लिए, सफदरजंग सीधा, थैंक यू। तो सफदरजंग के लिए सीधा ही जाना है। अगले स्टॉप पे रुक के डॉक्टर साहब को फोन करते हैं और पूछते हैं वो कहाँ पे है। सो भाई लोग, एक अभी जो मेरे साथ ट्रेजिडी हुई है, ट्रेजिडी क्या बोलेंगे, मतलब कलाकार हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं पीछे आ जाओ पीछे, तुम आगे चले गए, बहुत पीछे रह गए, पीछे पीछे आ जाओ। और मैंने बोला लोकेशन भेजो, अच्छा हुआ मैं पीछे नहीं गया, मैंने बोला लोकेशन भेजो। लोकेशन में भाई हमारे आगे हैं, और आगे से जो फर्स्ट लेफ्ट जा रहा है उसमें वो लेफ्ट कटते ही वो आगे बैठे हुए हैं एज द लोकेशन सजेस्ट। और भाई हमें कहते हैं पीछे आ जाओ, मुझे ये नहीं पता कि इस फ्लाईओवर के ऊपर से जाना है या नीचे से ऊपर है, आई एम नॉट श्योर, लेट्स चेक। अरे भाई साहब पीछे बुला रहे हो आप, हमारे आगे हो। आगे वही वाला है? तो ये हाँ वही वाला, कौन सा वाला? हाँ वो तो अच्छा, मैंने लोकेशन मांग ली, अगर मैं तुम्हारे कहने पे पीछे चलता था तो फिर घूम के आता पूरा। ये हॉस्पिटल ये वाला है क्या, ये वर्धमान महावीर? वाह 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 वाह, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी। तो कहाँ अंदर आना है क्या हॉस्पिटल के अंदर? अंदर ही हम बाहरी खड़े हैं, अगर तुम कौन से गेट पे खड़ा हो? मैं तो यहाँ हूँ गेट नंबर 2 पे। गेट नंबर 5 से अंदर आ जा। 5 कहाँ से आऊँ? अरे भाई साहब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? कैसे हैं, कैसे भाईजान भाईजान भाईजान? तो यहाँ से अंदर तो जाएगी नहीं बाइक? गेट नंबर 5 से अंदर जाती है, तो वहाँ से लूँ? वहाँ से इधर से गेट इधर ही अंदर ही। सर डॉक्टर साहब को हमने बैठा दिया है पीछे, कैसा महसूस हो रहा है आपको पीछे बैठ के? गद्दी गद्दी कंफर्टेबल है? वेरी नाइस। गद्दी कैसी कंफर्टेबल? वेरी कंफर्टेबल। डॉक्टर साहब को बैठा दिया हमने टेल टाइ टेल के ऊपर ही विदाउट द सीट। किधर जाना है? ये है क्या? कहाँ है? तो अभी हम आए हैं डॉक्टर हॉस्पिटल, और डॉक्टर कह रहा हूँ वर्धमान हॉस्पिटल। बहुत ही भीड़ हो रही है यार यहाँ पे, बहुत भीड़ हो रही। यहाँ पे कौन है हमारा पत्ता यहाँ पे? सो गाइस गेस व्हाट, हम कहाँ हैं? वी हैव एंटर्ड द हॉस्टल ऑफ डॉक्टर पत्ता। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में आए हैं, और हॉस्टल का कैंटीन फूड को देखो ज़रा, किस हिसाब का कैंटीन फूड लग रहा है ये। दे हैव गॉट अ वैरायटी ऑफ फूड, चिकन में ही मेरे ख्याल से कल से 15-20 वैरायटी है इनके पास। मंगाओ ना यार, क्या मंगाना, फटाफट से मंगाओ यार। तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं किसी हॉस्टल के कैंटीन में बैठा हूँ, इतनी वैरायटी मैंने आज तक नहीं देखी। आईज़ को माइंड मत करना यार, क्योंकि आईज़ आपको पता ही है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सक रहे हैं कि खाना मंगाएंगे अभी, उसके बाद लंच करेंगे। लंच में इनवाइटेड था, लेकिन मुझे ऐसा नहीं पता था कि कुछ इस प्रकार का होगा लंच। और देखते हैं और कुछ क्या कह रहा अंदर। ओह माय गॉड, अंदर और भी है। अरे भाई ब्रेकफास्ट में भी कुछ है यहाँ पे, साउथ इंडियन भी है मेरे ख्याल से यहाँ पे, बिरयानी एंड पाव भाजी एंड सारे सैंपल लगा रखे हैं यार, समथिंग यूनिक जो कि आज तक देखा नहीं कभी। यू हैव टू सिलेक्ट व्हाट डू यू वांट टू ईट। व्हाट इज दिस? ओह चिली पोटैटो, चिकन कबाब, वेज बिरयानी, कॉर्न राइस, पनीर, एवरीथिंग इज हियर। आपको भी दिखाना है? दिखा रहे हैं। अरे सबको दिखाएंगे, आपका अलग अलग तरीके, अलग आपका अलग तरीके का दिखा देंगे, अभी पर्ची तो कटवाएं पहले। तो बहुत ही यूनिक, बहुत ही हटके, एक पहली बार मैंने ऐसा कुछ देखा है आज तक। रेस्टोरेंट्स में कैफेज में कहीं भी जाएं तो ऑर्डर देते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही लाइव आपके सामने है डिस्प्ले करके कि क्या आप खाने वाले हो, आपको बिल्कुल वही मिलेगा जो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। हाँ जी भाई, नान 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 नान
तो गाइस अभी ऑर्डर हो रहा है फूड, उसके बाद सीधे टेबल पे जाके बैठ के तब आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या ऑर्डर किया है और क्या क्या हम खाने वाले हैं। तो गाइस मेरे लिए मंगाया है डॉक्टर सैफ ने बटर चिकन और ये क्या है पराठा और चिकन लॉलीपॉप। तो चिकन लॉलीपॉप बहुत टेस्टी हो रहा है। बाकी पत्ते मंगाया है शाही पनीर और वो है मिक्स वेज, और वो भी पनीर वाली है। भाई तो है चिकन वाले, तो अभी खाना एंजॉय करते हैं उसके बाद मिलते हैं सीधे। गाइस एक चीज़ में बताना भूल गया, ओनली डॉक्टर्स अलाउड, दैट मीन्स हम भी डॉक्टर थे और एमएस एंड डॉक्टर, क्या हम भी डॉक्टर थे इसका मतलब? मैंने खाना खाया मैं भी डॉक्टर हूँ बिल्कुल। तो गाइस ओनली डॉक्टर्स अलाउड ये चीज़ मैंने अभी देखी, तो इसलिए अब यहाँ से हम हो रहे हैं रवाना। यहाँ पे चल रहा है मैच, बिल्कुल कबीर सिंह वाली फीलिंग आ रही है। ओ भाई लोग, सो अभी हमने कर दिया है डॉक्टर लोगों को अलविदा और हम निकल चुके हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर के लिए। जब दिल्ली आए हैं तो सब जगह मिल के ही जाएंगे। तो रेड लाइन रेसिंग स्टोर जिनको नहीं पता है वो एक बाइकर्स पैराडाइज है, वहाँ पे सारे आपको एक्सेसरीज सारे मॉड सब कुछ वहाँ पे मिल जाते हैं। अपना एरो एग्जॉस्ट भी मैंने वहाँ पता करा था, लेकिन उस समय पे पता नहीं कुछ हो गया था इशू, शायद वो उनके पास था नहीं या फिर क्या था, आई डोंट रिमेम्बर। मैंने फिर उसके बाद डर्ट स्ट्रीट से अपना एरो का एग्जॉस्ट वहाँ से मंगवाया था। बाकी अभी वहाँ पे जाके पता करेंगे कि इसके बारे में। एक तो मुझे इसमें लगाने हैं अपने लीवो प्रोटेक्टर्स और एन जी के जो मैं बेसिकली ढूंढ रहा हूँ, और बाकी अपना मेन लगाने का उद्देश्य नहीं है, अपने सिमन पाजी से एक बार मिल लेंगे। अभी रिसेंटली वो राइड पे आए थे लेकिन एक हादसा हो गया था, उस समय हम में से एक राइडर का एक्सीडेंट हो गया था, तो इसलिए हम उस समय उतना मिल नहीं पाए, तो वहाँ से हमें उसी समय वापस आना पड़ा। बाकी अब जाके मिलेंगे, देखते हैं होपफुली सिमरन पाजी दुकान पे हूँ या ना हूँ ये मुझे भी पता नहीं है, क्योंकि इट वॉज जस्ट अ सडन प्लान। तो यहाँ से मैं सीधे जा रहा हूँ, उनको बिना बताए बिना बुलाए सीधे जा रहे हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर। तो मैंने अभी गूगल मैप्स में डाल दिया है, तो अगर यहाँ पे एक रैम माउंट का भी पता करेंगे, क्योंकि नेविगेशन ऐसे अब आने वाले व्लॉग्स में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल होने वाला है, तो एक रैम माउंट भी बहुत ज़रूरी है। तो सिमरन पाजी से पता करेंगे कि इसमें रैम माउंट लगेगा कि नहीं, और दूसरा एक चीज़ ये पता करेंगे कि गोपी पाजी ने जैसे हम स्पीति गए थे तो उन्होंने अपना फ़ोन रैम माउंट में लगा के रखा था, तो उनका फ़ोन का जो है वो ख़राब हो गया था, कोई सेंसर ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे याद नहीं आ रहा कोई कैमरे में उनको प्रॉब्लम आ रही थी या किसी चीज़ में उनको प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से उनको अपना वो फ़ोन बेचना पड़ा। तो आई मेक श्योर कि वो प्रॉब्लम मुझे ना आए, तो सिमरन पाजी से पता करेंगे जो कि बाइकों के धर्म गुरु हैं। तो सीधे चलते हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर में। खाना, हाँ खाने के बारे में बताना चाहूँगा, खाना वॉज टेस्टी बट वॉज बिट ठंडा, क्योंकि उनका जो फैलावा था बहुत ज़्यादा था, चारों तरफ फैले हुए थे लोग, तो वहाँ पे ऐसा उड़ता ये बटर चिकन किसका है, ये पराठा किसका है तो वो ढूंढते ढूंढते मेरे ख्याल से हमें ढूंढते ढूंढते वो खाना ठंडा हो गया, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा था उनका वो जो सर्विस देख के। द वेटर वॉज रोमिंग ऑल अराउंड द प्लेस, हमारे पास ना जाने कितनों के खाना आ गया था, हमारा खाना नहीं आ रहा था लेकिन दूसरे बहुतों का आ गया था, इडली वड़ा डोसा सब कुछ आ गया था लेकिन हमारा खाना नहीं आया। तो एक्चुअल में जब हमारे पास खाना आया तो इट वॉज कोल्ड, तो खाना अच्छा था टेस्टी था लेकिन ठंडा था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा खाया नहीं, थोड़ा खाया, पेट हल्का फुल्का बढ़ गया है जिससे अपना काम चल जाएगा। तो वहाँ से हमने कर दिया है डॉक्टर साहब लोगों को अलविदा, फिर अब मिलते हैं सीधे आपको रेड लाइन रेसिंग स्टोर में GoPro की बैटरी बचाते हुए, क्योंकि इसकी बैटरी आजकल बहुत जल्दी ड्रेन हो रही है, तो एक सेकेंडरी बैटरी मुझे खरीदनी पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है। तो खर्चे को देखते हुए याद आया कि गाइस आप लोग अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें फटाफट से, क्योंकि व्यूज़ बराबर आ रहे हैं लेकिन सब्सक्रिप्शन उतने नहीं आ रहे हैं। आई एम वेरी क्लोज टू 4K गाइज, हेल्प मी रीच 4K विद इन दीज
टू ब्यूटीफुल डेज व्हेन आई एम इन दिल्ली. तो दिल्ली जाने से देहरादून जाने से पहले मेक श्योर कि 4K का जो माइलस्टोन है वो पार हो जाए. तो वो हो सकता है सिर्फ आपके बदौलत. तो गाइस फटाफट से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को. थैंक यू सो मच. अभी हम पहुंचने वाले हैं रेड लाइन रेसिंग स्टोर. इट्स शोइंग मी कि इट्स 5 मिनट्स अवे. तो सीधे वहीं चल के मुलाकात करेंगे सिमरन पाजी से. सो गाइस देख लिया मैंने रेड लाइन रेसिंग स्टोर, वो रहा सामने. ओ भाई फाइनली इतनी मशक्कत के बाद फाइनली मुझे स्टोर मिल गया. देखते हैं सिमरन भाजी अंदर है कि नहीं. सो गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड द रेड लाइन रेसिंग स्टोर. तो सिमरन भाजी अभी आए नहीं है, ही मस्ट बी समवेयर नियर बाय. तो वहाँ पे होंगे. दिस इज द स्टोर प्रीव्यू. आपको मैं दूसरे वाली साइड से दिखाता हूँ. तो यहाँ पे यू गेट ऑल द बाइक एक्सेसरीज. इसमें यहाँ पे कार्बन फाइबर के भी आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे 10R के. यार ये मडगार्ड मुझे बहुत पसंद है लेकिन बहुत महंगा है. आई गेस 25,000 रुपये का है, कोई फ़ायदा नहीं. तो दिस इज़ द लाइनअप ऑफ सिमरन पाजी हिमसेल्फ. ये उनकी सिख सारे जो वो ट्रैक पे चलाते हैं. और दिस इज़ द BMW S1000 मेरे ख्याल से. RR यस आई वाज राइट, वही है. और दिस इज़ द 790. एक उनके पास एक्सपल्स 200 भी है आई गेस. बाकी यहाँ पे खड़ी है ये कौन सी बाइक है, 6R ही है. ये भी एक 6R है ट्रैक रेडी. और इसमें भी यही वाले वो लगे हुए हैं लीवर प्रोटेक्टर्स ना. हाँ तो गाइज मैं भी यही वाले सेम RNG के लीवर प्रोटेक्टर्स लगवा रहा हूँ. तो मेरे पास एक दूसरा जो ऑप्शन था वो था कि एक्स कार्बन का, ये वाला कार्बन फाइबर का. बट RNG के जब मेरे फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं तो मैंने सोचा वाई नॉट RNG ही लगे. तो भाई साहब शॉपिंग हो चुकी है पूरी. एक विंडस्क्रीन पसंद आई लेकिन वो थी नहीं वहाँ पे. सिमरन पाजी से भी मिले लेकिन वो आए लास्ट में जाते समय, तो इसलिए ब्लॉग में नहीं आ पाए सिमरन पाजी. लेट हो रहा था, निकलना पड़ा. मैंने लगाए हैं यहाँ पे RNG के लीवर प्रोटेक्टर्स. सो अभी मैं निकल चुका हूँ. होप सो भाई मेरी माइक मेरे पोजिशन पर हो. पता नहीं एक तो बाइक चलाते समय पता नहीं रहता कि भाई माइक कहाँ है, कैमरा कहाँ है, कौन कहाँ देख रहा है, कुछ समझ नहीं आता. बाकी अभी हम जा रहे हैं करोल बाग की तरफ, क्योंकि ऐसा नहीं है मुझे करोल बाग में कोई काम नहीं है लेकिन करोल बाग के पीछे मेरा घर है. बहुत ही उम्दा मजा आ रहा है देहरादून की, सॉरी दिल्ली की सड़कों में चला के. दीज आर द फेयर ऑफ ग्लोरी.